नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल्स आरजे नर्सिंग एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज बात करने वाले हैं ESIC की वैकेंसी के बारे में, जो कि परमानेंट वैकेंसी के बारे में बात करेंगे, जो कि अभी जस्ट निकलने वाली है। और कितनी पोस्ट नर्सिंग ऑफिसर की यहाँ पे निकलने वाली है, कितनी पैरामेडिकल की पोस्ट निकलने वाली है जो कि सेंक्शन हो चुके हैं, उनके बारे में यहाँ पे डिटेल से बात करेंगे। नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी की अगर बात करें तो 1930 पोस्ट के समथिंग तो नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है। पैरामेडिकल की स्टाफ की वैकेंसी है 2000 पोस्ट के समथिंग पैरामेडिकल स्टाफ्स की है। और लगभग 2600 पोस्ट के समथिंग यहाँ पे डॉक्टर्स की वैकेंसी होने वाली है। तो पूरा डिटेल से बात करेंगे, कैसे आपको इसमें अप्लाई करना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। कब तक फॉरम अप्लाई हो सकता है और इसका जो नोटिफिकेशन है कब तक रिलीज हो जाएगा, और इसमें आपका जो सैलरी पैकेज है वो कितना रहने वाला है, पूरा डिटेल से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करेगा। फ्रेंड्स, वैकेंसी को एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ESIC के द्वारा निकालने वाले हैं। तो क्या क्या प्रोसेस, कहाँ प्रोसेस कहाँ तक पहुँची, कब तक इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और कब तक इसका एग्ज़ाम होगा, सिलेबस क्या रहने वाला है, एज लिमिट, फीस, पूरा डिटेल से आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो चलते हैं इसके ऑफिशियल जो नोटिफिकेशंस पे, जो भी हाल ही में रिलीज किया गया है और कितनी पोस्ट है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। फ्रेंड्स, ये एक शॉर्ट नोटिस है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ द लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट राज्यसभा का एक नोटिफिकेशन है, जिसमें दिया गया कि जिसने एक स्टाफ है पैसे ये एक जिन्होंने RTI लगाई थी श्री इराना कडाडी ने, ओके और इन्होंने शॉर्टेज ऑफ द मैन पावर इन द ESIC हॉस्पिटल के थ्रू आंसर मांगा था। तो टू बी आंसर्ड 4/8/2022 को इसका आंसर दिया गया है कि कितनी वैकेंसी आने वाली है। उसने क्या आंसर किया था, तो श्री इरियाना जी ने क्या आंसर यहाँ पे क्वेश्चंस क्या किया था, विल बी द मिनिस्टर ऑफ द लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट टू बी प्लेस टू बी द स्टेट्स। इसमें दिया गया है कि वेदर देर इज ए शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर इंक्लूडिंग स्पेशलिस्ट सुपर स्पेशलिस्ट मेडिकल एंड पैरामेडिकल स्टाफ इन द हॉस्पिटल रन बाय द एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ESIC के द्वारा, जिनमें शॉर्टेज के द्वारा के बारे में बताया गया। तो द टोटल नंबर ऑफ द पोस्ट सेंक्शन, कितनी पोस्ट सेंक्शन हो चुकी है उसके बारे में भी इन्होंने क्वेश्चन पूछा था। द स्टेप्स टेकन by government to ensure the availability of the doctor, better delivery of the healthcare services, ESIC के अंदर, इसके बारे में भी उन्होंने तीन क्वेश्चंस उन्होंने किए थे, जिसमें फर्स्ट जो डॉक्टर की और जो स्टाफ है उसके बारे में पूछा था कि शॉर्टेज ऑफ द डॉक्टर स्पेशलिस्ट नर्सिंग ऑफिसर पैरामेडिकल स्टाफ के बारे में पूछा था। सेकंड, कितनी पोस्ट सेंक्शन हो चुकी इसके बारे में पूछा था। और थर्ड जो क्वेश्चन है कि अब नेक्स्ट क्या स्टेप लेने वाले हैं इसके बारे में भी उन्होंने क्वेश्चन पूछा था। तो उनका आंसर यहाँ पे दिया गया कि मिनिस्ट्री ऑफ द लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा श्री भूपेंद्र यादव जी ने इनका आंसर्स दिया है। तो स्टेटमेंट के अंदर इनका आंसर यहाँ पे दिया गया है। तो इनका आंसर इस प्रकार से दिया गया है, जो कि इसको आप कंप्लीटली रीड कर सकते हो। द वैकेंसीज डॉक्टर इंक्लूडिंग स्पेशलिस्ट सुपर स्पेशलिस्ट पैरामेडिकल स्टाफ्स आर क्रिएटेड ड्यू टू द रिटायरमेंट ऑन द सुपर एनोशन वॉलेंट्री रिटायरमेंट रिजिग्नेशन टर्मिनेशन ऑफ द सर्विस डेथ, सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। तो आप इसको भी रीड कर सकते हो, मैं आपको वैकेंसी के बारे में बता देता हूँ। एट द प्रेजेंट द ESIC हैज इश्यू एडवर्टाइजमेंट फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ 1,120 पोस्ट फॉर द जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर GDMO, देन 2,373 पोस्ट ऑफ द स्पेशलिस्ट या सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर का, 115 पोस्ट ऑफ द एसोसिएट प्रोफेसर एंड 491 पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर और एंडेंट फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ 1930 पोस्ट, ओके 1930 पोस्ट ऑफ द नर्सिंग ऑफिसर हैज आल्सो बी अप्रूव्ड ऑन 31/7/2022 तक जो पोस्ट है जो मैंने आपको बताया 1130 तो GDMO की, 373 पोस्ट यहाँ पे सुपर स्पेशलिस्ट की, 115 पोस्ट एसोसिएट प्रोफेसर, 491 पोस्ट एसोसिएट प्रोफेसर ओके असिस्टेंट प्रोफेसर, देन 1930 पोस्ट यहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर की 31/7/2022 को यहाँ पे इन्होंने अप्रूवल कर दिया है। देन अब इसका नेक्स्ट जो प्रोसेस है उसके बारे में भी इन्होंने दिया गया है। द ESIC इज आल्सो टेकन द फॉलोइंग स्टेप टू एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्टर पैरामेडिकल स्टाफ फॉर बेटर डिलीवरी ऑफ द हेल्थ केयर सर्विस टू द ESIC बेनिफिशरीज।
जिसमें आप देख सकते हो कि उसमें दिया गया कि 40% ऑफ द सेक्शन पोस्ट अंडर द जीडीएमओ कैडर इन द ईएसआईसी हॉस्पिटल्स विद मोर देन 200 बेड्स, इसमें दिया गया कि जो भी आप इसमें पूरा डिटेल से पढ़ सकते हो। नेक्स्ट इसमें जो पॉइंट था उसके बारे में दिया गया कि कितने डॉक्टर की यहाँ पे सेंक्शन पोस्ट है, कितनी जो भी ईएसआईसी है उनमें कितने डॉक्टर की पोस्ट है, उनमें कितनी आप फिलअप कर चुके हो, कितनी वेकेंट है, इनके बारे में भी इन्होंने बताया है डॉक्टर्स के बारे में। देन अपन बात करते हैं ग्रुप बी नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी के बारे में। तो टोटल यहाँ पे इन्होंने ग्रुप बी नर्सिंग ऑफिसर की टोटल 22 स्टेट है उनमें इनका ईएसआईसी हॉस्पिटल है। देन इसके बारे में बताया कि कहाँ से कितनी पोस्ट है वो भी इसमें उन्होंने बता दिया है। टोटल पोस्ट 4794 जिनमें से 2855 पोस्ट इन्होंने भर ली है और 1939 पोस्ट है ये अभी वैकेंट है। ओके, तो इनका सेंक्शन लेटर आ गया है। देन अब ये वैकेंसी जल्दी इनका ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन सा एडवर्टाइजमेंट है वो रिलीज करने वाले हैं। देन उसके बाद में इसका नोटिफिकेशन सा आने के बाद में पूरा डिटेल से मैं आपको बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स कहाँ से कितनी पोस्ट सेंक्शन होने वाली है वो भी आपको बता देता हूँ। आंध्र प्रदेश से यहाँ पे 0 पोस्ट है, असम से -6 है, बिहार से 117 पोस्ट, चंडीगढ़ से, छत्तीसगढ़ से 74 पोस्ट है, दिल्ली एनसीआर से 511 पोस्ट है, हरियाणा से 0 पोस्ट है, गुजरात से 97 पोस्ट है और हिमाचल प्रदेश से 12 पोस्ट है, जम्मू कश्मीर से 14 पोस्ट है, झारखंड से 17 पोस्ट है, कर्नाटका से 178 पोस्ट है, केरला से -61 पोस्ट है। देन मध्य प्रदेश जो एमपी है इनसे 3 पोस्ट यहाँ पे रहने वाली है, महाराष्ट्र से 96 पोस्ट है, ओडिशा 54, पंजाब 35 और राजस्थान से 241 पोस्ट रहने वाली है, तमिलनाडु से 126, तेलंगाना से 324। देन उत्तर प्रदेश से यहाँ पे 26 पोस्ट, वेस्ट बंगाल से 41 पोस्ट, उत्तराखंड से 40 पोस्ट। टोटल 1939 पोस्ट है जिनका अभी नोटिफिकेशन आने वाला है। तो जैसे इसका नोटिफिकेशन आता है मैं आपको पूरा डिटेल से बताने वाला हूँ। देन इसमें दिया गया है कि 1314 नर्सिंग ऑफिसर्स हैज बिन हायर्ड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ले रखे हैं अगेंस्ट दीज वैकेंसी टिल रेगुलर अपॉइंटमेंट आर मेड। जब तक रेगुलर वैकेंसी नहीं आती है तब तक ये 1314 जो नर्सिंग ऑफिसर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस रखा गया है जब तक वैकेंसीज नहीं आती है। दिस इंक्लूड 9 वैकेंसी प्रीवियस रिटायरमेंट रिक्रूटमेंट ड्राइव, जो 9 वैकेंसी है प्रीवियस जो रिक्रूटमेंट है उनसे यहाँ पे रखा गया है। ओके, देन पैरामेडिकल की भी यहाँ पे वैकेंसी रहने वाली है। पैरामेडिकल की जो टोटल पोस्ट है 5512 जिसमें से 3350 वैकेंसी तो इन्होंने भर ली है और 2162 जो वैकेंसी है वो अभी भरना बाकी है जिनका अभी जल्दी इसका नोटिफिकेशंस भी आने वाला है। तो फ्रेंड्स ये थी कंप्लीट वैकेंसी जो कि अभी सेंक्शन हो चुका है बट इनका जो अभी नोटिफिकेशंस है वो रिलीज होने वाला है। तो जैसे इसका नोटिफिकेशंस रिलीज होता है मैं आपको इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशंस का पूरा डिटेल है वो मैं आपको बता दूंगा। तो फ्रेंड्स इसमें नॉर्मली जो माना जाता है कि आपका 75,000 के समथिंग आपका सैलरी रहने वाला है, फीस का बारे में जब नोटिफिकेशन आएगा तभी आपको पता लगेगा। देन इसका सबसे इम्पोर्टेंट कि आप इसका जो फोरम है वो ऑल इंडिया के जो कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। ओके, ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे इसका नोटिफिकेशन आता है मैं आपको पूरा डिटेल से बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको कुछ भी नया अपडेट है उसके लिए मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता सकूं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे। धन्यवाद फ्रेंड्स।